Chapter 6 Application of Derivatives. एक मिनट रुकिए, कोई आया है मेरे यहाँ पर, एक मिनट वेट करेंगे। चलिए द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एग्जांपल नंबर 1 करिए, पेज नंबर 261। एग्जांपल 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब क्या है, एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब क्या है, एरिया को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। बस जैसे हमें ये दे रखा होता था कि वाई इज इक्वल टू 2x² + 3x, वैसे ये दे रखा होता था, तो हम ये कहते थे कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम ऐसे करते थे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर वाले को क्या करेंगे भाई, 2 तो एज इट इज, x² का डिफरेंशियल हो गया 2x, 3 एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1। इसी तरीके से अब करना है। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। क्वेश्चन में ही उन्होंने बोल रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या है, डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आर आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दिया, तो जब वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ए को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए बाई डी आर, और इधर तो आर वाला ही टर्म है, तो यहाँ पर पाई तो हो गया कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2r, और ये बोल रहे हैं कि आपको डी ए बाई डी आर निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और बोल रहे हैं आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखना आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और फिर आपको क्या करना है इसी वैल्यू में आर की जगह 3 डाल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर। 6 पाई सेंटीमीटर कैसे हुआ, क्योंकि डी ए है, डी ए मतलब एरिया है, डी ए मतलब स्मॉल एरिया, तो एरिया का यूनिट कितना हो जाएगा, एरिया का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी आर यानी कि सिर्फ रेडियस, छोटा सा रेडियस का छोटा सा पार्ट, तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो डी ए बाई डी आर की यूनिट कितनी आ गई सेंटीमीटर, तो 6 पाई सेंटीमीटर इसका आंसर है। इन्होंने आंसर दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, वो एक ही बात है, आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। बताइए जी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला एग्जांपल है अ बलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल। एक बलून है, हमेशा स्फेरिकल ही रहता है, स्फीयर की शेप का ही रहता है। अब बलून
which always remains a spherical, has a variable diameter 3 upon 2 into 2x plus 3. Determine the rate of change of volume with respect to x. वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वॉल्यूम निकालूंगा। तो आप ये देखिएगा, गिवन गिवन डायमीटर ऑफ बलून इज इक्वल टू 3 by 2 इंटू 2x प्लस 3, ये दे रखा है डायमीटर ऑफ बलून, ठीक है। तो मुझे डायमीटर की जरूरत नहीं है, मुझे तो रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ बलून, इसको आर बोल देते हैं। तो रेडियस क्या हो जाता है, हाफ इंटू डायमीटर। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस, तो हाफ इंटू डायमीटर। अब हाफ इन टू डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 by 2 इंटू 2x plus 3, तो ये कितना हो गया 3 by 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 by 4 इंटू 2x plus 3, और किसमें दे रखा है, यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट कुछ भी नहीं दे रखी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप इसको बस रेडियस है ना, तो आप इसको इतना लिख देंगे यूनिट्स, रेडियस ऑफ बलून आर इज इक्वल टू 3 by 4 इंटू 2x plus 3 यूनिट्स, ये हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करें, अब हमारे पास रेडियस आ गया, अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बलून वी इज इक्वल टू 4 by 3 आई आर क्यूब। तो वी इज इक्वल टू 4 by 3, और आर कितना है, ये आर आ गया मेरे पास रेडियस, तो इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 by 4 इंटू 2x plus 3 का क्यूब, तो 4 by 3। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला 4 by 3 पाई आर क्यूब, तो 4 by 3 पाई और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और इंटू 2x plus 3 का क्यूब, 4 16 64, 3 9 27, तो वी कितना हो गया, 9 pi upon 16 इंटू 2x plus 3 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ दिस बलून। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम आ गया एक्स के टर्म्स में, ठीक। अब आपको इस वॉल्यूम का रेट, ये वाला अभी तो मैंने वॉल्यूम निकाली है स्फीयर की। उन्होंने बोला डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले वॉल्यूम तो पता होना चाहिए, जैसे एरिया था तो एरिया पाई आर स्क्वायर मुझे पता था, अब वो आर के रिस्पेक्ट में ही निकालना था। लेकिन यहाँ पर जो निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले मेरे को डायमीटर दे रखा था 3 by 2 इंटू 2x plus 3 स्फीयर का, स्फेरिकल बलून का। तो उसको डायमीटर को रेडियस में कैसे कन्वर्ट करा, हाफ इंटू डी करके। तो हाफ इंटू डी कितना हो गया, 3 by 2 इंटू 2x plus 3, तो 3 by 4 इंटू 2x plus 3, ठीक है। तो पहले बेटा मेरे पास वॉल्यूम आ गया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में differentiate कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dv by dx, और 9 pi by 16 तो constant है, constant रहेगा, 2x plus 3 का whole cube है, इसमें chain rule लगेगा। पहले 2x plus 3 के whole cube को differentiate करेंगे,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1, 3 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर 2x प्लस 3 को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, समझ गए। तो 2 बन जाएगी 2 8 16 और 3 9 27, तो ये हो गया 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी इसकी, बाई 2 का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब, और नीचे x है, तो x जो है वो भी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मीटर ही या यूनिट ही आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अगर किसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस में किसी और चीज़ को तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, लेंथ को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सेंटीमीटर या मीटर हो सकती है, तो वो हमें पता नहीं क्या है, पर वो यूनिट ही होगी, तो यूनिट क्यूब का यूनिट लिख देंगे, है ना, या फिर यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, दोनों तरीके से ठीक है। बताओ भाई, क्लियर है, समझ में आ गया, शिवंशी बोलो, शिवंशी क्लियर है, यस सर, ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, ये कैसे निकालें, व्हेन रेडियस इज 5 मीटर, व्हेन रेडियस इज 5 मीटर, तो ये देखिएगा कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसको लिखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू, ये हो गया 4/3 और पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, डीवी बाई डी आर आ गया 4πr², ये तो हो गया डीवी बाई डी आर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है, तो फिर वही करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, दोनों तरफ आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 4π तो कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू हो गया 8πr, इक्वेशन नंबर 2, ds बाई डी आर हो गया हमारा 8πr, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम को सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या है, dv बाई ds निकालना है, तो भाई dv बाई ds कैसे निकलेगा, dv बाई dr को ds बाई dr से डिवाइड करो, कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया मतलब क्या है कि dv बाय ds निकालना है, तो ये आपका वैसा हो गया जैसे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो ये ऐसे हो गया कि dv बाय ds, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dr, dv बाय dr, dv बाय dr अपॉन ds बाय dr,
ठीक है। अब आप समझ ही रहे हैं कि भाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी डी आर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी डी आर है, तो कट जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हमें डी वाई बाई डी टी होता है, जैसे हमारे पास डी वाई बाई डी टी होता है और डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू होती है उसमें, कुछ भी वैल्यू। तो अगर मान लीजिए मेरे से ये पूछा जाता है भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर देता हूँ। डी टी से डी टी कटेगा, अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। बोलो समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हर्षित क्लियर है ना? ठीक yes. है, तो डी वी बाई डी आर कितना आया था, 4πr² और डी एस बाई डी आर कितना आया, 8πr। 4 × 4 = 8π, से पाई कट गया, 1r से 1r कट गया, तो r बाई टू डी वी बाई डी एस इज r बाई टू। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको डी वी बाई डी एस निकालना है when radius is 5 meter। तो dv by ds when r is 5 meter, तो भाई r की वैल्यू अब डाल दो 5 by 2 2.5 meter आ जाएगा रेट ऑफ चेंज। कैसे, वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब और सरफेस एरिया कितना है मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 1 meter बचा, तो 2.5 मीटर इसका आंसर है। समझ गए? ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला देखते हैं। अगला है एग्जांपल नंबर 4। Circles at a speed of 3.5 centimeter per second. तो एक स्टोन को एक क्वाइट लेक में, एक शांत तालाब है, उसमें हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो उसमें ना वेव्स बनते बनते ऐसे फैलती जा रही हैं। दो वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब इन्होंने बोला है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये एक लेक है, इस लेक के अंदर पानी भरा हुआ है, हमने इसमें पत्थर फेंका, हमने यहाँ पर पत्थर फेंका, तो पहली वेव ऐसी बनेगी, पहली वेव बन गई, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, फिर चौथी वेव, तो वो वेव धीरे 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 ऐसे फैलती हुई जाती है, देखा होगा आपने, बताइए, है ना, तो वो वेव्स ऐसे फैलती जाती है। अब वो जो वेव है वो वेव किस स्पीड पर ट्रेवल कर रही है, उन्होंने कहा वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव जो है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, तभी तो वेव फैलती जा रही है। तो गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस डी आर बाई डी टी, कैसे पता चला, क्योंकि दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दे रखा है पर सेकंड दे रखा है, तो पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय डीटी होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? yes, है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो पहले एरिया देखते हैं, ए इज इक्वल टू कितना है, पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब मुझे दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
क्योंकि यहाँ पर डी आर बाई डी टी वैल्यू दे रखी है और वो कह रहे हैं कि डिटरमिन हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग, तो रेडियस को किस स्पीड पर इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया कितनी स्पीड पर इंक्रीज कर रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी मुझे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने दोनों तरह तीन का स्पेक्ट्रल डिफरेंशिएट किया। मेरी बात समझ में आ गई, कहीं पर ये तो नहीं लिखा हुआ कि एरिया को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करना या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताना हो, ऐसा तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में कहीं पर भी, ठीक है ना। तो जब डी आर बाई डी टी दे रखा है, जो मैं समझ गया कि भाई उसका जो वो लेंथ है, लेंथ बढ़ रही है, और सर्कुलर लेंथ अगर बढ़ रही है किसी भी चीज़ की तो समझ लीजिए उसका रेडियस बढ़ रहा है, और पर सेकेंड दे रखा है तो डी आर बाई डी टी दे रखा है, तो भाई डी ए बाई डी टी ही निकालना है। तो दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा, आगे कर रहा हूँ इसको मैं। तो जब ए को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब ऐसे ही पाई आर स्क्वायर को जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा टू आर, फिर फर्दर आर को करेंगे तो आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर को पहले मैं टू ए करता फिर लिखता डी ए बाई डी टी, तो आर स्क्वायर दे रखा है तो पहले मैंने इसको टू आर करा फिर करूँगा डी आर बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी और वो कब बोल रहे हैं कि फाइंड हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, तो आर कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इस पर आप वैल्यू निकालिए, पाई इंटू टू इंटू आर कितना है 7.5 इंटू डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है, डी आर बाई डी टी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3.5 दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब ना पाई की वैल्यू यहाँ पर लिख लो क्योंकि 3.5 मुझे लिखा गया है 7 से कट जाएगा, और 2 इंटू 7.5 कितना हो गया 15, 3.5 कितना हो गया 35/10, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 11s are 22, 11 into 15, 11 5s are 55, 11 1s are 11 और 5 16, 165 डी ए बाई डी टी। तो ए एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम सेकेंड, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन्होंने आंसर निकाला है पाई की टर्म्स में 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर इसको सिंप्लीफाई करते ही है तो यही आता 165 आता, बता दीजिए समझ गए। यस सर, ठीक है चलिए जी, ये हो गया। हाँ, इसके बाद अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5, ये बता रहा हूँ। एग्जाम्पल फाइव में द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी, इसकी साइड को ए बोल देते हैं स्मॉल ए। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब गिवन है जैसे यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रहा था तो डी आर बाई डी टी ले लिया, यहाँ उसकी साइड इंक्रीज हो रही है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को स्मॉल ए बोल देते हैं, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज़ और, वो बोल रहे हैं कि उसकी जो साइड है
दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट. इसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो मैं प्लस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ले रहा हूँ, अगर डिक्रीजिंग होता तो मैं इसको माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लेता, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी ए बाई डी टी. उसके बाद देखो, एट वॉट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग वन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एरिया बताओ, एरिया किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, बता दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू रूट 3/4, ये तो कॉन्स्टेंट रहा, और ए स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2a, और फिर a का करा फर्दर तो डी ए डी स्मॉल ए बाई डी टी. अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि आपको डी ए डी कैपिटल ए बाई डी टी बताना है when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर, यानी कि when a is equal to 20 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 2 इंटू 20, ए की जगह 20 डाल दो, और डी ए बाई डी टी कितना है 2, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 20√3 एरिया ऊपर टाइम नीचे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी. तो इतना करने के बाद में फिर आप एक काम करिएगा, ये जरा एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन ट्राई करना. ठीक है, 6.1 के करना क्वेश्चन ट्राई, आज इतना ही कर लेते हैं. कोई भी शुरुआत के 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जितने भी हैं ट्राई करना, जो डाउट आए पूछना मुझसे, लेकिन करना जरूर. ठीक है शिवांशी, उस दिन मैंने लीनियर इनइक्वालिटी का भी एक क्वेश्चन भेजा था, तुमने करा नहीं फिर वो. चलिए ठीक है, बस ये ना छूट जाती है ना चीज़ें, फिर छूटती चली जाती हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना. चलिए ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं. हाँ तुम्हारा बिल्कुल ठीक था, मैंने देख लिया था, मैं रिप्लाई करना भूल गया, बिल्कुल ठीक था. ठीक है, चलिए जी, ओके.